यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अनुप उपाध्याय। आज हम वापस से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन तो करना ही बनता है भाई, उत्तर प्रदेश के हो तो ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वह ज्यूरिसप्रूडेंस है, और ज्यूरिसप्रूडेंस के टॉपिक को देखो डिमांड था, मैं सोच रहा था यार बाद में कराऊंगा, कैंसिल ही कर देता हूं क्लास, लेकिन आप लोगों की डिमांड को देखते मैंने कहा नहीं, इसको तो लेंगे और आज के आज ही लेंगे, भले ही 10 मिनट लेट जाए तो क्या हुआ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आई एम ऑडिबल एंड परफेक्टली विजिबल टू ईच एंड एवरीवन। यस, सभी लोग सोलिहा जी, हाँ, बिल्कुल सभी को मेरी तरफ से राम राम। ओके, वालेकुम सलाम आपको भी। ओके चलिए, उमा सैमी जी वेरी गुड इवनिंग, या अरविंद चौधरी सभी को, हापुड़ बालाजी हाजिर हो, अरे भगवान। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले आज हम लोग ज्यूरिसप्रूडेंस का, देखो आज मैं कुछ अलग तरीके से पेपराथन कराऊंगा। This is not only a questions solution MCQ class. मैं आप सभी को कुछ deliver करके फिर MCQs कराऊंगा। मतलब थोड़ा सा, देखो मेरी बात को समझो, थोड़ा सा हम लोग concept पे बात करेंगे, थोड़ा सा हम concept पे बात करेंगे, अरे मोटा हो जा पेन, थोड़ा सा हम concept पे बात करेंगे, फिर concept पे बात करने के बाद MCQs को देखेंगे। Done या नहीं बोलो, ऐसा किया जाए, जल्दी बोल दे भाई। MCQs को जो मैं सॉल्व कराऊंगा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं, ताकि आपको पढ़ने का तरीका पता चल जाए कि हाँ ज्यूरिसप्रूडेंस को इस तरीके से पढ़ना है जी। ये 100% यू कैन एक्सपेक्ट फॉर DGS, नो प्रॉब्लम। ओके डन, चलिए। सो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो क्लास स्टार्ट हो रही है, आप सभी ध्यान से देखिएगा, जो क्लास स्टार्ट हो रही है 7 बजे से 8 बजे तक का तो ये सेशन रहता है, 8 बजते ही आपका MCQ, ओनली MCQ रैपिड रिवीजन के हिसाब से रैपिड सॉल्व कराया जाएगा स्पेशल क्लास में। ये स्पेशल क्लास में सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। ओके, फ्री रहने वाला है, अरे भाई ऐसे मत करो। ठीक ठीक, अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो 7 से 8, 8 से 9 बिल्कुल आप सभी आ जाइएगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूंगा ज्यूरिसप्रूडेंस क्या होता है, लेकिन जब भी क्लास को स्टार्ट करता हूं तो सभी को मेरी तरफ से जय उत्तर प्रदेश एंड जय हिंद। चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में हो जाए जी। हाँ, कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूं, चलिए ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला, छोटी क्लास है, छोटा कॉन्सेप्ट, बेसिक्स क्लियर करके जाऊंगा। देखो आज मैं ये चाहता हूं आप ये समझें कि ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है, व्हाट इज ज्यूरिसप्रूडेंस, व्हाट इज लॉ। डन, ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है, विधि शास्त्र क्या है, लॉ क्या है मतलब विधि क्या है, यही प्रश्न इसी टॉपिक के ऊपर कम से कम 2 MCQ हर साल आते हैं, कई बार तो 3 MCQ इस पर आए हैं। तो चलिए इस टॉपिक को ही क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा साथियों, ज्यूरिसप्रूडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है, द स्टडी ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस स्टार्टेड विद रोमन्स, पहली बात। अब ये रोमन सैनी सर नहीं है, ये नॉर्मल रोमन कौन से हैं आप लोग जानते हैं भाई, हमारे अन अकेडमी के रोमन सैनी सर की बात नहीं हो रही है। रोमन्स मींस व्हाट, जो इटली, मैं किसी इटली के साथ बैठा था, पहले मैं इटली बोलता था तो क्या, नो नो इट्स नॉट इटली इट्स इटली, तो इटली, इटली का मतलब क्या हुआ, रोमन्स। तो ये जो ज्यूरिसप्रूडेंस की पढ़ाई लिखाई है भाई, ये रोमन्स कहने का मतलब इटली से स्टार्ट हुई थी उनकी तरफ से। फिर इसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप ज्यूरिसप्रूडेंस हैज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन, जो ज्यूरिसप्रूडेंस है इसे एक सेपरेट ब्रांच माना गया है डिसिप्लिन का, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय रोमन्स, और इसे रोमन्स ने स्टार्ट किया था। गेटिंग माय पॉइंट। और देखिए इधर देखिए, ये जो प्रश्न है ना कि ज्यूरिसप्रूडेंस एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन एंड वाज स्टार्टेड बाय रोमन्स, यह आपके UPCJ 2013 में यही पूछा गया था। मेरा कहने का मतलब, मेरी पहली स्लाइड आपके लिए क्यों लेके आया हूं ऐसा अरेंज करके, आप कॉन्सेप्ट को ही इस तरह से अरेंज करो कि क्वेश्चन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, सारे क्वेश्चन वही अपने आप याद हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर। तो रोमन जो है वहां से इनकी अध्ययन स्टार्ट हुआ, और ज्यूरिसप्रूडेंस को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन माना गया है, और इसको स्टार्ट किया गया था रोमन्स के द्वारा। एंड अब देखो ये तो सबको पता है, फिर भी बताना एक है, एक फॉर्मेलिटी है। देखिए ज्यूरिसप्रूडेंस कौन सा शब्द है, यह एक लैटिन शब्द है, ठीक।
विच हैज डिराइव द वर्ड फ्रॉम जुरिसप्रूडेंशिया, मतलब जो जुरिसप्रूडेंस शब्द आया है यह जुरिसप्रूडेंशिया से आया है। अब जुरिसप्रूडेंशिया का मतलब क्या होता है, यह दो शब्दों से मिलकर जुरिसप्रूडेंस बना है, जो ये जुरिसप्रूडेंस है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द, पहला तो है साथियों जुरिस और दूसरा है प्रूडेंशिया। अब बात करें जुरिस का मतलब क्या होता है, इट मींस लॉ, ठीक। जुरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज या फिर इसका मतलब होता है स्किल। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिसप्रूडेंस, तो आप कह सकते हैं जुरिसप्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब जो विधि का ज्ञान होता है, कानून का ज्ञान ही क्या कहलाता है, विधि शास्त्र कहलाता है। विधि का ज्ञान बोलो या फिर कानून का ज्ञान बोलो, ठीक। यस या नो, क्लियर या नहीं, जल्दी बताते चलिएगा। फिर देखिएगा अगली बात जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप सभी को जुरिसप्रूडेंस जो पढ़ा रहा हूं, तो जुरिसप्रूडेंस के साथ साथ एक वर्ड जुड़ा है, समझिएगा, पहले बात को समझे तब आगे बढ़ेंगे। देखो जुरिस वर्ड जुड़ा है, जुरिस का मतलब क्या हो गया, लॉ। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, इसी कॉन्सेप्ट पे आपके 2 से 3 एमसीक्यू हर साल आते हैं, गेटिंग अ पॉइंट, इसी कॉन्सेप्ट पर आपके 2-3 एमसीक्यू आते हैं। तो पहले समझो कि लॉ क्या होता है, क्योंकि लॉ प्रूडेंशिया कह सकते हैं, अब जुरिसप्रूडेंशिया की जगह मैं लॉ प्रूडेंशिया कहूं तो गलत नहीं है। तो लॉ प्रूडेंशिया में लॉ का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझो। तो दो टर्म आज हम समझेंगे, पहला जुरिसप्रूडेंस को समझेंगे पूरा एज अ होल, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा जब हम जुरिसप्रूडेंस को समझेंगे तो लॉ को भी समझना जरूरी है कि लॉ क्या है। ओके, आई होप मेरे क्लास का जो थीम है आप समझ गए होंगे। अब आगे की बात देखिएगा फटाफट। द लॉ मींस द एंटायर बॉडी ऑफ रूल्स इन अ स्टेट, एक कंट्री के अंदर, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया एक स्टेट है, मान लीजिए इस पूरे राज्य में, इस स्टेट में, लॉ मींस द एंटायर बॉडी ऑफ रूल्स, जो यहां पर टोटल रूल्स चलते हैं, टोटल रूल्स वही लॉ है। क्या आप सहमत है इस बात से या नहीं सहमत है? अरे हमारे भारत देश में जितने रूल बने हैं वो सारे अपने आप में क्या है, वो सारे अपने आप में क्या है, वह लॉ है। क्या कह रहे हैं जी? हाँ फ्री के लिए पढ़ा रहा हूं, क्षमा प्रवीण जी, यस ओके। आज भी देखो माउस नहीं चल रहा है, चल गया, वेरी गुड। हाँ मैं आपके कमेंट्स जो बैक चले जाते हैं साथियों से देख नहीं पाता हूं, फिर भी मैं चेक कर रहा हूं। अब छत्तीसगढ़ के सबके बढ़ा दीजिए लोकल लॉ, ठीक है। अभी देखो जलास में अपन बात करने के 5 मिनट दूंगा, अब सिर्फ इस टॉपिक से अभी चिपक के समझे एडहेसिव फॉर्म में, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपनी जो भी बात रहेगी लास्ट में हम लोग कर लेंगे, ठीक है जी। अभी आइए यहां पर, अब देखो यस फर्स्ट क्लास ही है। जुरिसप्रूडेंस इज कॉल्ड ला फिलोसफी डू ड्रॉइट इन फ्रांस, मतलब इंडिया में विधि शास्त्र कहते हैं, अंग्रेजी में जुरिसप्रूडेंस कहते हैं, फ्रांस में चले जाओ, फ्रांस में सब्जेक्ट का नाम क्या है, ला फिलोसफी डू ड्रॉइट, बस इतना याद रखो। इसमें क्या समझोगे, बस फ्रांस में ये नाम कहा जाता है। फिर इसके बाद जर्मनी में भी इसको क्या कहा जाता है, जर्मनी में कहते हैं रैक्स, रैक्स फिलोसफी, क्या कहते हैं इसको, रैक्स फिलोसफी, गेटिंग माय पॉइंट, इसे रैक्स फिलोसफी कहां कहा जाता है, जर्मनी में। फ्रांस में देख लीजिए एक बार वापस, ड्रॉइट ड्रॉइट कहते हैं, ला फिलोसफी डू ड्रॉइट, और अपने जर्मनी में इसको कहते हैं रैक्स फिलोसफी। अब देखिए अगली बात देखिएगा इसी के कंटिन्यूएंस में, इट इज जनरली एग्रीड दैट, हाँ ये रिकॉर्डेड, हर लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड रहता है मोहम्मद आसिफ जी, कोई हटाया नहीं जाता है। आगे चलिए, इट इज जनरली एग्रीड दैट द डेफिनेशन ऑफ लॉ हैज कंज्यूम्ड सो मच टाइम एंड एनर्जी बिकॉज द नोशन ऑफ लॉ इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। मेरी बात को सुनो, ये आपका यूपीपीसीएस जो यूपीएससी 2002 में पूछा गया था यही प्रश्न, इसका मतलब क्या है, क्या इंडिया का कानून और अमेरिका का कानून एक ही है क्या? अरे इंडिया में जो आप कार चलाते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर लेते हैं, इंडिया में जो आप कार चलाते हैं उसकी सीटिंग इस साइड रहती है, अमेरिका में अपोजिट साइड रहती है। बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? इसलिए अमेरिका का लॉ इंडिया में लागू नहीं होता और इंडिया का लॉ अमेरिका में लागू नहीं होता। अगर आप इंडिया का लाइसेंस ले लें और अमेरिका में गाड़ी चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री का अपना कानून होता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कानून की परिभाषा में इतना समय और ऊर्जा खर्च हुई है क्योंकि अलग अलग देशों में कानून की धारणा
अलग अलग है। अब आगे की बात, द एक्सप्रेशन लॉ इन रिलेशन टू ज्यूरिसप्रूडेंस मींस फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स, मतलब जो लॉ होता है वह एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं। ध्यान से समझिएगा, लॉ क्या है? लॉ कहता है कि लॉ एक अभिव्यक्त कानून का अर्थ मौलिक कानूनी सिद्धांत है, मतलब फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स, जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स फंडामेंटल होते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल लॉज जो आपको मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, वही उन्हीं कानून को क्या कहा जाता है? लॉ कहा जाता है। अब देखो, अभी तक तो मैंने थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में समझाया, कानूनी लैंग्वेज में, अब मैं आपको अपने घर की भाषा में समझाता हूं। आइए, एक प्रश्न है आप सभी के सामने, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सिस्टम ऑफ लॉ, मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ऑफ लॉ होता क्या है, क्यों कानून बना, कानून कहां से बना, कानून क्यों बनाया गया, ये सारे प्रश्नों का जवाब एक सब्जेक्ट देता है, वह है आपका ज्यूरिसप्रूडेंस। तो सिस्टम ऑफ लॉ जो बना है उसके पीछे क्या कारण रहे कि हमने लॉ ऐसे बनाया। दूसरा, व्हाई देयर इज नीड ऑफ लीगल सिस्टम इन सोसाइटी, समाज में एक लीगल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तीसरी बात, हाउ डिड द रूल ऑफ लॉ कम इनटू इफेक्ट, ये जो रूल ऑफ लॉ होता है वह क्यों आया इफेक्ट में। इन सभी जवाब, इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है वह कौन देता है? ज्यूरिसप्रूडेंस, यह बताता है आपको ज्यूरिसप्रूडेंस। ध्यान से देखते रहिएगा। अब जैसे हमने समझ गए कि हमारा लॉ है, देखिए मेरी बात को समझिए, 5 मिनट आपको नासिर अली देना पड़ता है 10 मिनट कॉन्सेप्ट को, हमारे लिए सारे बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं, जीरो से स्टार्ट करता हूं क्लास को और सुपर एडवांस लेवल तक लेके जाता हूं, यही तरीका है। आगे चलिएगा, ध्यान से देखिए, व्हाट इज लॉ, मैंने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, बट लॉ होता क्या है इस बात का ज्ञान ज्यूरिसप्रूडेंस देता है। What is right? जैसे मैंने बोला कि ये सिविल राइट है, क्रिमिनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, अच्छी बात है, लेकिन लॉ क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब क्या है, इन सभी की जानकारी कौन देगा? ज्यूरिसप्रूडेंस। तो एक लॉ स्टूडेंट को, एक जज को, एक लॉयर को हमेशा ज्यूरिसप्रूडेंस को पढ़ना चाहिए। वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन ज्यूरिसप्रूडेंस। ज्यूरिसप्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ बाय टू एस्पेक्ट्स। आप सभी को बता दूंगा, जो ज्यूरिसप्रूडेंस होता है वह स्टडी ऑफ लॉ बाय टू एस्पेक्ट होता है। पहला एस्पेक्ट है थ्योरेटिकल और दूसरा है फिलोसफिकल एस्पेक्ट, मतलब हम थ्योरी को भी पढ़ेंगे और फिलोसफी को भी हम पढ़ेंगे। थ्योरी का मतलब समझते हैं आप, थ्योरी क्या होती है कि मतलब जो लॉ एज इट इज है उसको समझो, कानून यह कहता है। फिलोसफी का मतलब यह होता है कि इस कानून को बनाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या स्थिति रही होगी, क्या मनोदशा रही होगी, वो हम पढ़ते हैं। अब मेरी बात को आगे समझिए, ज्यूरिसप्रूडेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग द लॉ। लॉ को स्टडी करने का एक सही तरीका बताता है। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो लॉ का इंटरप्रिटेशन, लॉ को पढ़ के कंक्लूजन या निष्कर्ष कैसे निकाला जाए, ये कौन बताता है? ये आपको ज्यूरिसप्रूडेंस बताता है। ध्यान से समझिएगा, अभी इसी कंटेंट में मैं आपका जुडिशरी का भी क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से, द लॉयर्स एंड जजेस आर टेक हेल्प द ज्यूरिसप्रूडेंस फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब देखिए, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ को समझने में हेल्प करता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एटसेट्रा, लॉ ऑफ टॉर्ट, इन सभी के जनरल प्रिंसिपल्स ज्यूरिसप्रूडेंस बताता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना, संविधान की जरूरत क्यों पड़ गई, अच्छी बातें पड़ गई लेकिन क्यों, ये सभी एक बनाने के पीछे क्या सिद्धांत रहे होंगे, ये ज्यूरिसप्रूडेंस आपको बताता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान हिंदी में, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स होते हैं साथियों। अब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अच्छी बात है, आपको पता है फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, जो कहां से कहां दिए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहां से कहां तक है, जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताओ भाई, 12 से 35। तो ये फंडामेंटल राइट आपने पढ़े, लेकिन इनकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज राइट? फंडामेंटल राइट तो है, बट राइट होता क्या है?
व्हाट इज द नीड ऑफ इट, इसकी आवश्यकता हमें क्यों हुई, ये सब जुरिस्प्रूडेंस बताएगा। आगे की बात, जुरिस्प्रूडेंस हैज नॉट ए स्पेसिफिक डेफिनेशन। पूरा जुरिस्प्रूडेंस, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं साथियों, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज एच में, मैंने पढ़ाया था कल, इसलिए इसका डेफिनेशन बता रहा हूं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया गया है, लेकिन क्या आपको जुरिस्प्रूडेंस की कोई एक डेफिनेशन है जो सब फॉलो करेंगे? नहीं है। जितने लोग आए, अब यहां से समझिएगा मामला, अब आपके जुडिशरी के प्रश्न कराऊंगा, जितने लोग आए उन लोगों ने अपने अपने विचार दिए, अपनी अपनी परिभाषाएं दी। इस तरह से जुरिस्प्रूडेंस की कोई एक परिभाषा नहीं है, जुरिस्प्रूडेंस हैज मेनी डेफिनेशंस, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जो फिलोसोफर आए थे, जुरिस्ट आए थे, इन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। तो वेरियस स्कॉलर जुरिस्ट हैज डिफाइंड द जुरिस्प्रूडेंस। अब देखिए, यूपीपीसीएस 2001 का प्रश्न है, एलएलबी का नहीं है साथियों, ध्यान से देखिएगा। लास्की सेड दैट जुरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। लास्की ने क्या कहा? अब मैं आप सभी को बता रहा हूं जुरिस्प्रूडेंस क्या है, तो मेरी बात को समझिएगा। इन डेफिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले एक व्यू दे रहा हूं मेरा, जैसे कि हम कह सकते लॉ को जिसने जैसे देखा उसने वैसा बताया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सभी को बोलूं, अगर आप मुंबई चले जाओ तो मुंबई के रहन सहन के तरीके को राजस्थान का कोई गांव का व्यक्ति है वो अलग तरीके से देखेगा। अरे यहां ऐसे कैसे लोग रहते हैं, यहां पे ऐसे कैसे रहते हैं, अरे इतने छोटे फ्लैट में रहते हैं, ये पहला व्यू हुआ। उसी तरह से साथियों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अरे आगे आएंगे ऑप्शन के साथ क्वेश्चंस। अभी आपको मैंने बताया, अभी कॉन्सेप्ट 10 मिनट होगा और फिर उसके बाद एमसीक्यू भी लाया हूं, ठीक है। जैसे अब मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, यूपी से कोई बंदा गया वो अलग तरीके से देखेगा मुंबई को, समझ नहीं बात, और कोई फॉरेनर आएगा तो वो अलग तरीके से उसको उसको देखेगा। इसी तरह से लॉ को देखने वाले अलग अलग तरीके से थे। जो कोई, अगर मान लो कोई फौज से संबंधित रखता था, लड़ाई झगड़े वाला, तो उसने बोला ये कमांड है, सोवरिन है। कोई सामाजिक प्राणी था, उसने उसको सोशल से जोड़ा। कोई अगर मैं कहता हूं कि उसका संबंध मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर फील्ड से था, तो उसने उससे जोड़ के अपना जवाब दिया। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे अगर मैं साइंस वाला स्टूडेंट है तो वैज्ञानिक बात करेगा, कॉमर्स वाला स्टूडेंट है प्रॉफिट लॉस की बात करेगा, लॉ का स्टूडेंट है सब तरह की बात करेगा। तो जब लॉ की बात आई तो वो सब तरह की बात करे। कैसे? देखो लास्की ने कैसे बात किया। लास्की सेड दैट जुरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। जुरिस्प्रूडेंस क्या है? या आई ऑफ लॉ है। अब मैं आप सभी से अगर पूछूं आई ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, तो जिस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर आई काम करता है, आंख काम करता है। आंख क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, देखता है। देखने से सोचने की शक्ति बढ़ती है। मतलब आप समझे, कानून क्या कहता है, आई विटनेस कितना वैल्यूएबल होता है, बहुत वैल्यू रखता है। उसी तरह से जब हम बात करेंगे लॉ की, जिस तरह से हमारे बॉडी में आंख काम करता है, उसी तरह से जुरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉ के लिए आई का काम करता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि हु सेड दीज वर्ड्स, तो आपको बोलना है द स्टेटमेंट इज सेड बाय लास्की। याद रख लेंगे, यस या नो? हाँ, वेरी गुड। जैसे बॉडी हमारी काम करने के लिए जरूरी है, दैट्स इट। अब मेरी बात को समझे, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये रट जाना चाहिए आज के आज, भले 20 क्वेश्चन आज रटा रहा हूं 45 मिनट में, 20 क्वेश्चन रट जाना चाहिए, ये मेरा वादा है आपसे, और आपको भी मेरे से क्या करना पड़ेगा, वादा। सेविनी ने क्या कहा? लॉ इज नथिंग बट स्पिरिट ऑफ द पीपल। अरे ये कहा आंख है, ये कह दत आंख वाक कुछ नहीं है। ये जो सेविनी का कह रहा है कि लॉ है ना, लॉ ये समाज है, समाज से कानून है, कानून से समाज है। गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? समाज है, समाज से कानून है, कानून से समाज है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेविनी क्या कह रहा है, लॉ इज नथिंग बट स्पिरिट ऑफ द पीपल, क्योंकि लॉ किसके लिए बना है, लॉ बना है पीपल के लिए, और ये पीपल किसके लिए है, पीपल से लॉ है। गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? अभी देखो मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं, इन्हीं कंटेंट के बेस में एमसीक्यू भी पूछूंगा, डन। तो आपको वहां पर 100% आंसर देना है। वीडियो क्लीन नहीं है, 5 बार लिख दिया रोहित जी ने, वीडियो क्लीन का है नहीं भाई, एक बार एचडी में जाओ तो एचडी होता है, एक एचडी क्वालिटी का ऑप्शन होता है, इनको हेल्प करिए स्टूडेंट्स। आगे चलो, अगला प्रश्न देखिएगा। जूलियस स्टोन एक व्यक्ति है, ये भी एक स्कॉलर है,
अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, जूलियस स्टोन भी एक कौन है, एक व्यक्ति है जूलियस स्टोन। अब इनकी अलग विचारधारा थी, इन्होंने बोला ज्यूरिसप्रूडेंस एज ए लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन, और इस बात से मैं काफी सहमत हूं जूलियस स्टोन से। जूलियस स्टोन ने क्या कहा कि जो लॉ है ना, जो कानून है ना, ज्यूरिसप्रूडेंस है, वह क्या है, लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। हिंदी में समझिएगा, जूलियस स्टोन ने विधि शास्त्र को वकीलों का बहिर्मुखता के रूप में वर्णित किया। यह 2012 यूपी में पूछा गया था कि हु सेड द ज्यूरिसप्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, तो आपको आंसर क्या देना है, ज्यूरिसप्रूडेंस। गेटिंग माय पॉइंट, तो क्या कहेगा, ज्यूरिसप्रूडेंस। देखो यार, इतने धांसु कमेंट मत करो, रेटिना दिख रहा है तुमको। आओ चलो, समझाने का तरीका देखो, ऐसे समझाना चाहिए। आर्या जी ने समझाया कितना बढ़िया, उनको ये हेल्प कर दो थोड़ा सा कि सेटिंग्स में जाके एचडी क्वालिटी में चले जाए। अब मेरी बात को सुनो, लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन क्या होता है। जो वकील है, वकील मतलब समझते हो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इन वकीलों, लोअर कोर्ट के भाई, इन वकीलों ने जिस तरह से लॉ को अप्लाई किया, तो उस लॉ को अप्लाई करना मतलब लॉ का इंटरप्रिटेशन करके लॉ को अप्लाई किया, तो लॉ का एप्लीकेशन, मैं कह सकता हूं एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ बाय द लॉयर्स, बाय द लॉयर्स इज कॉल्ड लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। तो लॉयर्स ने जिस प्रकार से कानून को पढ़ा और उसको अप्लाई किया, यही लॉयर्स की क्या कहलाई, बहिर्मुखता कहलाई, लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन कहलाया। गेटिंग माय पॉइंट, यस या नो, यस या नो, समझ में आया कि जिस तरह से वकीलों ने पढ़ा और उसको लागू किया वह लॉ है और लॉ कुछ भी नहीं है। आगे की बात ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, सेविनी फिर आ गए। अब सेविनी ने क्या क्या फॉलोइंग वर्ड्स बोला, क्या वर्ड्स बोले ध्यान से सुनिएगा, लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ पीपल, जो लॉ है ना वो पीपल के साथ ग्रोथ करता है, मतलब लॉ एक फिक्स नहीं रहता है, लॉ बदलता रहता है। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथेंस विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, स्ट्रेंथेंस विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, और ये पीपल की स्ट्रेंथ के साथ मजबूत होता चला जाता है, अच्छी बात। एंड फाइनली डाइज अवे एज द नेशन लॉसेस इट्स नेशनैलिटी, और अगर कोई कंट्री अपनी नेशनैलिटी छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, तो वह अपने आप में कानून भी खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बात को सुनिएगा, कई देश ऐसे हैं साथियों, कई देश ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेसी ही नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, कई ऐसे देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी तानाशाह है, जैसा कहेंगे मानना पड़ेगा, तो उन तानाशाहों के लिए क्या कोई कानून है, क्या कोई संविधान है, क्या क्या कोई संविधान है, नहीं, कोई संविधान नहीं है। तो यहां पर अगर लॉ भी डाई, खत्म हो जाता है, जब नेशनैलिटी ही वहां की, नेशन ही खत्म, तो ऐसे देश के लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात देखिएगा, ये आपका 2015 यूपी पीसीएसजे में पूछा गया था कि दीज द स्टेटमेंट इज सेड बाय होम, तो आपको लिखना इसे सेविनी ने कहा था, इसे सेविनी ने कहा था, ठीक है। अब देखो 2013 का, हाँ बिल्कुल वैसा ही बोल रहे हो, हाँ आगे चलिए। अरे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एग्जाम पर्पस, मैं बता देता हूं 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आगे चलिए, 2013 में सिसेरो ने क्या कहा था, सिसेरो ने देखिएगा, ज्यूरिसप्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। मैं अभी पता है आपको सिर्फ एक टॉपिक है जो खत्म नहीं कर पा रहा हूं, ज्यूरिसप्रूडेंस। जैसे ज्यूरिसप्रूडेंस और लॉ को खत्म करूंगा तब ये सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। और ये क्यों पढ़ा रहा हूं, तीन क्वेश्चन याद रख लेना, तीन प्रश्न यहीं से आएंगे। ज्यूरिसप्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ, जो विधि का ज्ञान है उस ज्ञान का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, फिलोसफी सब्जेक्ट आप जानते हैं, भगवान है तो सही, हाँ अगली क्लास में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आकाश। अब देखो भगवान है तो सही, बट भगवान कहां है, क्यों है, क्या वाकई में भगवान है, भगवान क्यों है, ये बात की जानकारी फिलोसफिकल एस्पेक्ट कहलाता है। इसी तरह से कानून तो है, बट कानून कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया, अच्छा कानून कैसे बना, क्या सोर्सेस थे, ये सारा डिसीजन ज्यूरिसप्रूडेंस आपको इसका ज्ञान देगा। तो ज्यूरिसप्रूडेंस जरूर पढ़े।
अच्छा एक बात आपको और बता देते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस को उत्तर प्रदेश में ही क्यों रखा? क्योंकि आपको एक कड़वा सच है, बट एक कड़वा सच है दूसरे राज्यों के लिए, बट आपके लिए बता देता हूं मैं, ज्यूरिसप्रूडेंस इसलिए रखा यूपी में क्योंकि इसे यूपी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश कानून के संबंध में बात करें तो यह 28 राज्यों में सबसे बेस्ट इंटरप्रिटेशन उत्तर प्रदेश का है। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, अलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, तो सबसे बढ़िया इंटरप्रिटेशन यहां के एडवोकेट्स ने किया है। तो ये एडवोकेट्स ही और यहां के स्टूडेंट ही इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन करेक्ट निकालते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए वहां के कानून ने ज्यूरिसप्रूडेंस को डाला, वहां की जुडिशरी ने कहा पढ़ो इसको। गेटिंग माय पॉइंट? हर किसी की बस की बात नहीं। आगे चलिए, ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है? अरे भाई हार्ट कह रहा है ये कुछ भी नहीं है, जो रूल्स होते हैं ना इन्हीं रूल्स इन्हीं नियमों का एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है ज्यूरिसप्रूडेंस। बस रूल कितने हैं? हजारों तरह के रूल होते हैं। अब बताइए कानून के अंदर रूल्स नहीं होते हैं क्या? बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स का एक पूरा सिस्टम ही क्या है? ज्यूरिसप्रूडेंस है। उन नियमों का एक सिस्टम ही क्या है? ज्यूरिसप्रूडेंस है। चलिए ड्रेस पहन के आइए, आइए अगली बात करते हैं। सर आए थे एक जो जीके पढ़ाते हैं, सूर्या सर। मैंने कहा आइए कि ड्रेस नहीं पहना, मैंने कहा छोड़िए ना आइए। अभी देखिए आएंगे वो, लेकिन घर पे ड्रेस छोड़ के आए हैं, नहीं आएंगे। अब देखिए आगे की बात, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है, लाइक लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश सब जगह फॉलो होता है कि नहीं होता है? मेरी बात बताओ ना यार, अंग्रेजी जो है ऐसे ऐसे हाई कर रहे थे सर, सूर्या सर थे, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि जो लॉ होता है क्या वो यूनिवर्सल होता है? लाइक लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है, तो कानून को भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता दे दे क्या? है ऐसी मान्यता हो तो सबसे पहले मैं कौन सा कानून अप्लाई करूंगा आप बताइए? अगर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि इंडिया का लॉ सब जगह लागू होगा पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले मैं संविधान को लागू करूंगा और आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को लागू करूंगा। जाके पढ़िएगा क्यों, क्योंकि साथियों आर्टिकल 1 और 2 में जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि इंडिया क्या है, इंडिया की जो टेरिटरी है वो इंडिया है, और इंडिया जो फ्यूचर में एक्वायर कर ले वह भी इंडिया है, जो टेरिटरी इंडिया एक्वायर करेगा वह भी इंडिया कहलाएगा। तो सबसे पहले अपन किसको एक्वायर करेंगे भाइयों, बताओ जरा कौन से देश को सबसे पहले खींच के लाएंगे और मिला देंगे भारत में, अखंड भारत। चलिए आगे की बात करते हैं, इट वेराइज विद पीपल एंड एजेस, ठीक है। वोल्केजेस कह रहे हैं भैया ये वेराइज करता है किसके साथ? पीपल के साथ। मतलब जैसे जैसे समाज चेंज होता रहता है ये लॉ भी क्या होता रहता है उसी हिसाब से चेंज होता रहता है, 2012 में पूछा गया था। अब देखिए जेरोम फ्रैंक आए भाई साहब, एक और स्कॉलर है। अब देखो जेरोम फ्रैंक ने क्या बोला, लॉ इज अनसर्टेन, सिर्फ लॉ और ज्यूरिसप्रूडेंस को समझा रहा हूं, समझिएगा लॉ। सभी ने कमेंट एक ही लिखा, और कुछ तो लिखो भाई, दुबई लाओगे? ऐसा तो नहीं कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे हो कि नहीं वो है इसलिए उसी देश को लाएंगे, ऐसा नहीं है ना? कि सानिया मिर्जा पसंद है, सानिया मिर्जा चली गई है तो अब सानिया मिर्जा की वजह से मैं पाकिस्तान को इंक्लूड करूंगा, ऐसा है क्या? नहीं। अब देखो मेरी बात को यार, जेरोम फ्रैंक 2012 में प्रश्न आया था, क्या बोला, लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ। क्या कानून फिक्स है क्या? क्या कानून फिक्स है क्या? जो कानून आज है वही साल भर बाद भी रहेगा, बिल्कुल कानून फिक्स नहीं है। जब मन होता है तब अमेंडमेंट ला देती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के देके। गेटिंग माय पॉइंट या नहीं? तो कहने का मतलब क्या कह रहा हूं कि लॉ सर्टेन नहीं है, कभी भी लॉ फिक्स नहीं है, लॉ समय के साथ बदलता रहता है। पहले आपको बता दूं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो था आपका 1877 था, उसको हटा के अब 1963 आ गया, क्योंकि लॉ सर्टेन नहीं है बॉस। आगे की बात देखो, लॉ इज नॉट सर्टेन। आगे देखिए हीगल्स थ्योरी, एक हीगल भी एक आदमी है, इनके इतने तो नाम है, कोई दिक्कत नहीं, इन सबको पढ़ेंगे। हीगल्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट बोथ स्टेट, दोनों चाहे वो स्टेट है या लॉ है, आर इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन। मतलब एक बात बताइए, जैसे
हिंदुस्तान का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर इनिशियली हिंदूज पाए जाते थे, है ना, राजा भरत के नाम पर हिंदू देश का निर्माण हुआ। तो हर हर राज्य के पीछे, स्टेट के पीछे, हर स्टेट के पीछे और हर कानून के पीछे ह्यूमन बींग्स होते हैं, एक रीजन का काम करते हैं, ठीक है। आगे की बात, 2012 में पूछा ये किसने बोला ये बात, राज्य और लॉ वाली बात, तो राज्य और लॉ वाली बात जो बोली गई थी वह हीगल्स की थ्योरी के द्वारा बोली गई। गेटिंग माय पॉइंट। आगे आगे देखिएगा, अब 2000 का प्रश्न है, सन 2000 में कौन प्रश्न आया था, जो पाउंड पाउंड है ये, इन्होंने क्या बोला, सोशल इंजीनियरिंग बोला लॉ को, क्या बोला इन्होंने, सोशल इंजीनियरिंग बताया। अब ये सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, लॉ वॉज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ बिलोंगिंग वेरियस इंटरेस्ट इन द सोसाइटी एंड एज सच लॉ वॉज डिस्क्राइब्ड एज सोशल इंजीनियरिंग। तो याद रख लीजिए रॉस्को पॉन्ड जो थे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग बोला, ध्यान से सुनिएगा। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, अरे एक्सपर्टाइज, द नॉलेज ऑफ एक्सपर्टाइज, इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं, अरे भाई बीटेक के बाद वही इंजीनियर जो जो 90% लाने के बाद में भी हमारे देश के इंजीनियर मार्केटिंग जॉब में चले जाते हैं, तो बड़ी ये दुख की बात है ना कि कर लिया हमने इंजीनियरिंग और कर क्या रहे, एमआर का जॉब कर रहे हैं सर, कर क्या रहे हो, बस ये मार्केटिंग में लगे हैं, बहुत गलत चीज है। इंजीनियर कौन होता है, हु इज एक्सपर्ट, इंजीनियर का मतलब क्या होता है, हु इज एक्सपर्ट। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब समाज के अंदर जिस तरह से इंजीनियरिंग, मतलब जो समाज में क्या चीज की नीड है, समाज परिवर्तित कैसे हो रहा है, उसको देखते हुए कानून को बनाना, क्या कहलाता है, सोशल इंजीनियरिंग। हाँ ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब एक ऑस्टिन भी आए थे, हाँ रॉस्को पॉन्ड, एक ऑस्टिन भी आए थे, ऑस्टिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम से, एक सामंड भी आप याद करिएगा, एक ऑस्टिन के बारे में भी याद करिएगा। ऑस्टिन के अनुसार कानून है, ऑस्टिन जो थे ना, ये थोड़े से कैसे, जैसे वो अपने यहाँ पे जैसे कोई चचा लोग होते हैं, वो आते हैं फौज से रिटायर होके, तो चाचा लोग क्या करते हैं, फौजी भाषा बोलते हैं, हे बेटा दो जग पानी लाओ, ग्लास नहीं बोलेंगे, दो जग पानी लाओ, एक जग भी नहीं, क्यों बोलते हैं वो लोग, उनका हैबिट है जी, उनके अंदर की हैबिट है कि जिस माहौल में वो रहे हैं उस माहौल में वो रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे, अब मैं फौजी तो नहीं हूं बट जैसे मेरी आदत है, मैं जय हिंद ही बोलता हूं सभी को। अब जैसे मेरे चाचा है घर में, वो क्या है, सीआरपीएफ के जवान है, तो हम लोग की थोड़ा मेरा हैबिट हो गया है, फादर भी कुछ इसी तरह से, तो मतलब मेरा हैबिट है, मैं जय हिंद ही बोलता हूं। हाँ जब फोन आता जय हिंद सर, क्यों, अरे भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा हो गया, तो उसी तरह से समझोगा कि भैया अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन ने लॉ को क्या बोला कि लॉ हैज कमांड सॉवरेन एंड सैंक्शन, 2015 में बोला था, ये किसने बोला था, लॉ हैज कमांड सॉवरेन एंड सैंक्शन, लॉ हैज कमांड सॉवरेन एंड सैंक्शन, किसने बोला, अरे भैया ऑस्टिन ने बोला, कब पूछा, 2015 में पूछा। तो मेरी बात को सुनिएगा, कमांड का मतलब क्या, लॉ आपसे रिक्वेस्ट करता है क्या कि प्लीज ये काम कर दीजिए ना, प्लीज आप ये रूल तोड़िए ना, ऐसे कहता है क्या कानून, नो इट इज अ कमांड, यू हैव टू फॉलो दैट, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लॉ, देश का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है, सॉवरेनिटी एंड सैंक्शन, इट इज एन अप्रूवल। अब इसके बाद देखिए 2015 के बाद 2002 में आइएगा, कैल्सन सेड दैट लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस, कैल्सन ने क्या कहा, लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है। इसी से मुझे याद आता है एक और बात, इसी से मुझे, अब चलो एमसीक्यूज करेंगे, थोड़ी सी अब खत्म हो गए, और भी बातें आती है, मैं थोड़ा कंटेंट इतना नहीं ला पाया आपके लिए क्योंकि टाइम भी कम मिला मेरे को, बट मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, कुछ कंटेंट मेरे पास है, देखो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, मैं पढ़ के समझा देता हूं। एक वर्ड आया था, एक लाइन आया था साथियों, ज्यूरिसप्रूडेंस ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब, मैं पढ़ रहा हूं सुनते जाइएगा, ज्यूरिसप्रूडेंस ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब लीगल कनेक्शन ऑफ एनी बॉडी ऑफ नॉलेज, लीगल कनेक्शन ऑफ एनी बॉडी ऑफ नॉलेज, लीगल कनेक्शन, लीगल कनेक्शन ऑफ एनी बॉडी ऑफ नॉलेज, एनी बॉडी ऑफ नॉलेज, ये जो बात मैं बोल रहा हूं, क्या यह एग्जाम में पूछा गया, ये आपको सही लग रहा है या फॉल्स लग रहा है, जरा बताइए तो सभी कमेंट बॉक्स में, कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस होता है, ज्यूरिसप्रूडेंस जो होता है इज लीगल नॉलेज, लीगल कनेक्शन ऑफ एनी बॉडी ऑफ नॉलेज, कोई भी बॉडी ऑफ नॉलेज जो हम ले रहे हैं,
जो भी ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं उसका लीगल कनेक्शन ज्यूरिसप्रूडेंस कहलाता है। अरे बिल्कुल सही है भाई। अब मैं बताओ, सिविल आपने मर्डर कर दिया, क्रिमिनल लॉ में चले गए, क्रिमिनल लॉ का मैं नॉलेज, क्रिमिनल मैटर्स का नॉलेज ले रहा हूं, क्रिमिनल में चला जाएगा। आपने बेट में किसी बच्ची की हत्या कर दी, इन्फेंटिसाइड कर दिया, पीसीपीएनडीटी में चले जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज का लीगल कनेक्शन समझिएगा क्या कहलाता है, ज्यूरिसप्रूडेंस। हाँ वेरी गुड, मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल वही मैं पीसीपीएनडीटी बोला, राइट। और बताइए कोई और एग्जांपल बता सकते हैं, यस या नो, कोई और एग्जांपल बताइए तो अच्छा लगेगा हमें। अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे बात करें तो इंटरनेशनल मुद्दे जो हो गए उनके लिए बना है क्या, इंटरनेशनल लॉ। ये बॉडी ऑफ नॉलेज है साथियों, बॉडी ऑफ नॉलेज है, गेटिंग माय पॉइंट। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे ये जो रिसर्च विसर्च करते हैं लोग, ठीक है, रिसर्च हर फील्ड में होता है, तो उन रिसर्चर्स के ऊपर भी कानून लगता है, वह भी क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब आगे की बात देखिएगा, ज्यूरिसप्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स। बातों को समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा। ज्यूरिसप्रूडेंस क्या होता है, स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल। ये सारी बातें तो है ही। अब मैं कुछ लाइंस आपके लिए लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा वो लाइंस क्या क्या है मेरे सामने। अच्छा, ये अल्पियन वाला मैंने नहीं बताया आपको। हाँ, अल्पियन लिखिएगा, अल्पियन कौन थे, इसको उल्पियन भी बोल सकते हैं, ये वाली बात आप रखिएगा। ये कहां के थे जरा बताइए, उल्पियन वॉज अ स्पेस ज्यूरिस्ट। ये कहां के ज्यूरिस्ट थे बताइए जरा, तो मैं याद कराऊंगा आपको, अगर आपको नहीं आता तो मैं बताता हूं आपको। जो उल्पियन थे भाई साहब, वह हमारी इसकी शुरुआत कहां हुई थी ज्यूरिसप्रूडेंस की, कहां से ज्यूरिसप्रूडेंस की शुरुआत हुई, रोम से। तो रोमन से ही, रोम था तो ये रोमन ज्यूरिस्ट थे, अल्पियन वॉज अ रोमन ज्यूरिस्ट। अब रोमन ने क्या बोला, अल्पियन डिफाइंड लॉ एज द आर्ट और साइंस ऑफ वॉट इज इक्यूटेबल एंड गुड। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या बताया कि जो अल्पियन ने बोला क्या इक्यूटेबल है, क्या गुड है, वही चीजें क्या है, इक्यूटेबल है और क्या गुड है। इन्होंने बोला ये साइंस है, और दूसरा वर्ड क्या यूज किया, इक्विटेबल एंड गुड। जो कुछ भी इक्विटेबल, साम्यता के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताएं। अरे साम्यता के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इक्विटी। तो इक्विटी ही क्या है, वही लॉ है, वही ज्यूरिसप्रूडेंस है। तो ज्यूरिस्ट जो अल्पियन थे उन्होंने बोला कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वह साइंस भी है और क्या कह सकते हैं, आर्ट भी है। किस चीज के बारे में, ऑफ इक्विटेबल एंड गुड, मतलब क्या इक्विटेबल है, क्या गुड है, व्हाट इज इक्विटेबल एंड व्हाट इज गुड, इज कॉल्ड ज्यूरिसप्रूडेंस अकॉर्डिंग टू दिस। अब लास्ट दो लाइन और रह गई है, उनको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में काम आता है। हाँ, एक व्यक्ति थे डेमोस्थेनिस। डेमोस्थेनिस ने क्या बोला कि जो लॉ होता है वह गिफ्ट है भगवान का। अब ये डेमोस्थेनिस जो थे ना, ये विश्वास रखते थे आस्था में। तो अब देखो, जो पुजारी आदमी होगा वो अपने हिसाब से बोलेगा। अब एक पुजारी के पास जाइए, मौलवी जी के पास जाइए, ये लोग अपने हिसाब से बातें करेंगे। तो इन्होंने भी, डेमोस्थेनिस ने बोला ये तो भगवान का एक गिफ्ट है, उपहार है, तो इसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, आई होप और सारी बातें मैंने बता दी। अच्छा, मैं अगर, मेरे मन से एक क्वेश्चन आया है, बताओ कि अगर मैं बोलूं इंडिया में नहीं भाई, एंशियंट इंडिया में, एंशियंट इंडिया मतलब पुरातन भारत में, पुरातन भारत में लॉ का मतलब क्या था, जो धर्म होता है ना साथियों, धर्मा, उसी को ही लॉ बोला गया था। क्योंकि आप कोई भी किताब उठा के पढ़ें, कोई भी किताब, वहां पर क्या बताया जाता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, तो दिस इज द थिंग व्हिच इज राइट और व्हिच इज रॉन्ग, आपकी होली बुक्स में लिखी हुई है, आपकी जो बुक होती है, जैसे कुरान हो गया, रामायण हो गया, इनमें क्या बताया गया है, क्या सही है, क्या गलत है, वही लॉ है। ये भी एक बात आई थी, पॉलक ने जूरिस इसको बोला था, लॉयर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए काफी है साथियों। अब क्वेश्चंस पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो कुल मिला के, छोड़िए इन सबको, कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, यही चीज क्या बताता है, यही चीज बताता है लॉ को। दैट्स इट। एक हार्ट है, हार्ट के बारे में हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आओ फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है,
यूपी के 2012 का ज्यूरिसप्रूडेंस क्या कहता है, 95, सम पीपल शेयर्ड मोरालिटी इज एसेंशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सोसाइटी, इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन, फुलर या फिर हॉट या फिर हार्ट। देखो मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मेरी क्लास है साथियों आज की, हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा ही बताया है बट टॉपिक एक ही समझाया है। मेरा समझाने के पीछे उद्देश्य यह था, आप अभी क्वेश्चंस को करेंगे ना तो ऐसा लगेगा रट रहे हो, लेकिन जब मैंने जो कंटेंट बनाया आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, उसको लिखेंगे ना फिर आप पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, आपको 200% बेनिफिट मिलेगा। कॉन्सेप्ट अगर छोड़ दिए और रटना चालू कर दिए तो फिर मजे वाली बात नहीं है, कितना भी रट लो 20 में से दो नंबर आप कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट करके जाएंगे तो हमेशा बेनिफिट मिलेगा। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर, हार्ट ने ये बात बोली थी। हु सेड द पब्लिक पॉलिसी इज अ अनरूली हॉर्स, जो पब्लिक पॉलिसी होता है एक अनरूली हॉर्स है, मतलब वह हॉर्स है जिसको रूल नहीं किया जा रहा है, अनरूली अपने हिसाब से चल रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, पब्लिक पॉलिसी क्या स्थिर रह सकती है क्या? क्या पब्लिक पॉलिसी जो डिसाइड हो गई, आपको पता होगा हर 5 साल में चेंज होता रहता है, ठीक है, हर 5 साल में चेंज होता रहता है, तो पब्लिक पॉलिसी अनरूली हॉर्स है। यह बात किसने बोली थी, डी डी मतलब जस्टिस बोरो ने यह बात बोली थी। और मैं आप सभी को बताऊं, यह 1824 का मैटर है, 1824 का यह मैटर है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, अगला प्रश्न, लॉ इज अनसर्टेन। अब देखो प्रश्न आना चालू हो रहे हैं, लॉ इज अनसर्टेन, लॉ अनसर्टेन है, एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज लीगल मिथ। और जो लॉ की सर्टेनिटी की बात कर रहे हो ना, एक लीगल मिथ है और कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, अभी हम पढ़ के आए हैं। अब आप देखो मेरी बात को सुनो, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट अरेंज करके दिया, अगर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे फिर क्वेश्चन करोगे, अपने आप जब टिक होगा ना तो आपको और मजा आएगा। वेरी गुड पांडे जी, वेरी गुड पांडे जी, 3 टिक आज लगा चुके हैं, बहुत बढ़िया। हाँ और कोई है, वेरी गुड, ए सभी ये बोल रहे हैं। जेरेमी फ्रैंक ने बोला था कि लॉ सर्टेन नहीं है, बिल्कुल लॉ चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू होम द मैटर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस इज पॉजिटिव लॉ सिंपली एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, और लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर्स। एक बात बताओ, जो लॉ होता है ना वो कौन बनाते हैं, सुपीरियर बनाते हैं इंफीरियर बनाते हैं? बस इतनी सी बात बताएं, जो लॉ का निर्माण होता है उसे सुपीरियर बनाता है कि इंफीरियर बनाता है? लॉ का निर्माण सुपीरियर करता है, जब सुपीरियर करता है तो साथियों लागू किस पर होता है, खुद पर तो होता है बट वो बेसिकली इंफीरियर को रूल करने के लिए बनाया जाता है। ऐसी बात किसने बोली, ऐसी बात किसने बोली, बी कह रहे हैं अधिकतर लोग। जब 98 का बी कह रहे हो तो मैं दूसरा कैसे कह सकता हूं, बिल्कुल इसे ऑस्टिन ने ही कहा था। वेरी गुड, अगला प्रश्न, द प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ द फिलोसफिकल स्कूल। अब आज मैंने स्कूल्स के बारे में और थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ाया ज्यादा, अगर मैं फ्यूचर में कोई क्लास लाऊंगा तो आप सभी को थ्योरी पढ़ाऊंगा और स्कूल को भी लेके आऊंगा। अब देखिए, द प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ द फिलोसफिकल स्कूल वॉज हर्बर्ट स्पेंसर, मैनी, वेबर एंड हीगल। वॉट विल बी द करेक्ट, 99 का करेक्ट आंसर। वेरी गुड, पीयूष पटेल इज डी, हीगल। हीगल ने ये इसको प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ फिलोसफिकल स्कूल वॉज हीगल, मतलब जो ये फिलोसफिकल स्कूल था इसके जो मुख्य जूरिस्ट थे वह हीगल ही थे। आगे चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज सेड एज फादर ऑफ इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस, इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस के फादर। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरा प्रश्न, चलिए पहले इसका आंसर दीजिए फिर इसके बाद पूछूंगा, इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस के फादर कौन थे? वेरी गुड, 100 का राइट आंसर क्या, ऑस्टिन। ऑस्टिन जो थे वह थे, लेकिन अब मेरी बात सुनो, मेरा प्रश्न आप सभी के लिए, हु इज द फादर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, सिर्फ ज्यूरिसप्रूडेंस के, इसके फादर कौन थे साथियों, जल्दी बताएं, हु इज द फादर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, जल्दी से बताने का कष्ट करें भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बुक ऑफ लव, वेरी गुड, कविता गौरव, ओके, राजेश जी कह रहे हैं सामंत, ओके, बहुत जल्दी कमेंट्स जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बट सभी लोग सही बोल रहे हैं लगभग। अरे सामंत नहीं है जी, बेंथम है, जेरेमी बेंथम, ठीक है, जेरेमी बेंथम जो थे वो थे, ठीक है, याद रखिएगा बेंथम, जेरेमी बेंथम। 101, अच्छा क्वेश्चन है ये,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस, नॉट बताना है भाई, नॉट अ केस रिलेटिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? वो निर्णय जो पहले आ चुके हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट्स जो डिसीजंस देती हैं उन केसेस को, लैंडमार्क जजमेंट्स को प्रेसिडेंट बोला जाता है। अब प्रेसिडेंट से संबंधित कौन सा केस नहीं है? यस, वेरी गुड, सिद्धार्थ कुंवर सिंगल सी कह रहे हैं, अनुपम गौतम सी, अरुण स्टडी, ओके सी, वेरी नाइस, फिरदौस अख्तर, ओके वेरी नाइस, चलिए सी इज द राइट आंसर। ये दोनों जो है और ये वाला जो है ये तो प्रीसीडेंट से संबंधित है, ये तो प्रीसीडेंट से संबंधित है, ठीक है, बट आपका जो लिवर सीज एंड वर्सेस दर्शन केस है वो इसे संबंधित नहीं है। 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ लीगल थॉट हेल्ड द व्यू दैट लॉ इज फाउंड नॉट मेड। लॉ फाउंड होता है, पाया जाता है, ये बनाया नहीं जाता, इट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट या सेल्फ एग्जिस्ट करता है। अब बताओ इस बात से आप सहमत हो क्या? क्या कानून अपने आप एग्जिस्ट करता है क्या, कि कानून बनाया जाता है? अरे हमने पढ़ा है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं, प्रेसिडेंट का साइन होता है, तब उसके बाद कहीं कानून नोटिफिकेशन में जारी करके लागू किया जाता है। अब बोलो ये कह रहा है सेल्फ एग्जिस्टेंट है, सेल्फ मेड है, बनाया ही नहीं जाता है, ये गलत है भाई, बट हमको पढ़ना पड़ता है, हमें सबके विचारों को आगे लेके चलना है। तो ऐसी बात किसने बोली थी 102 में? ओके हिस्टोरिकल सर, अच्छा एनीवन एल्स, ठीक है चलो इस क्वेश्चन को मैं स्पेशल क्लास के लिए छोड़ूंगा अभी, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपकी भावनाओं का मैं कद्र कर रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं क्यों छोड़ूंगा उसका कोई एक रीजन है। ओके 101 को क्यों छोड़ रहा हूं उसका कोई रीजन है, 102 है क्या, माफ कीजिएगा 102, ठीक है अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। 103 का आंसर, लॉ इज व्हाट द जजेस डिक्लेयर्स, लॉ क्या होता है? अरे यही है आदित्य, अभी इस पे बात करेंगे, लॉ इज व्हाट, लॉ क्या है पहले ये बताओ, लॉ इज व्हाट द जजेस डिक्लेयर्स, तो ये बात तो सही है, लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है बताइए, जो जजेस डिक्लेयर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जज ने कोई डिसीजन की दिया तो क्या यह लॉ है या नहीं है, यह लॉ है या नहीं, बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का डिसीजन आता है वह अपने आप में क्या होता है, विधि होता है, अपने आप में क्या होता है, विधि होता है। यह बात, यह कथन निम्न में से किस विचारक का है, जेरम फ्रैंक, जूलियस स्टॉन ग्रे या फिर होम्स? 103, यस सभी के मैं आंसर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रे ने यह बात बोली थी। ओके 104 में आइए, हु डिस्क्राइब्ड जुरिसप्रूडेंस एज लॉयर्स एक्सट्रावर्जन, अभी आपको पढ़ा के आया हूं ना कॉन्सेप्ट में, अब देखो उसी तरह से आपको क्वेश्चंस भी एक दूसरे को मिलेंगे। तो किसने डिस्क्राइब किया था जुरिसप्रूडेंस को? जुरिसप्रूडेंस क्या है, एक लॉयर्स का एक्स्ट्रावर्जन है, विधि शास्त्र वकीलों का बहिर्मुक्ता का स्वर्ग है। ये किसने, देखो लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन बता दिया ना, जो वकीलों ने जैसे अप्लाई किया वो लॉ है, तो इसका राइट आंसर 104 का क्या होगा, यस सी, वेरी गुड, जूलियस स्टॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लॉ मींस, लॉ का मतलब क्या होता है, ये भी मैं पढ़ा के आया हूं अभी जस्ट आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। अब देखो जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा था, आपको लगा कि मैं तो यार LLB वाले स्टूडेंट को, अरे आपके जुडिशरी में आते हैं क्वेश्चन और LLB से ही जुडिशरी आगे बढ़ती है, तो बेसिक से फिक्स से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके तो यहां पर लॉ मींस क्या होता है, लॉ मींस द एंटायर बॉडी ऑफ रूल्स इन अ सोसाइटी और इन अ स्टेट, एक राज्य के अंदर जो एंटायर बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, लॉ बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैव हियर टू बीन फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रगतिशील समाज का संचरण प्रास्थिति से संविदा की ओर अब हो रहा है, किसने ऐसा कहा था, बेंथम, रोस्को पॉन्ड, मैंने या फिर सेवनी? यस जल्दी से बताएं, फटाफट क्लियर करें इसको, वेरी गुड एडवोकेट आर्या, वेरी गुड,
एनीवन एल्स? स्वाति कुमारी सी कह रही है, भावना सी, ओके वेरी गुड, बिल्कुल हेनरी मैन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अप्रोक्स 10 क्वेश्चन ही किए हमने, एंड आप सभी को बता दूं इसके जस्ट आपके इस क्लास के जस्ट क्या कह सकते हैं 2-3 मिनट के बाद आपकी एक स्पेशल क्लास रहने वाली है। क्या बोल रहा हूं, एक स्पेशल क्लास रहने वाली है जो बिल्कुल फ्री रहेगी, 8:05 पर वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके आगे की क्वेश्चंस आप वहां पर करिएगा, वो बहुत रैपिड तरीके से होगा ताकि आप एक फ्लो देख सके क्वेश्चन का कैसे आते हैं। न्यू ईयर न्यू रिजोल्यूशन न्यू गोल आप सभी का। 2023 में 23% ऑफ लाए हैं जी, जिसमें आप कोड यूज कर सकते हैं लिंकिंग टू गेट सब्सक्रिप्शन। एंड आफ्टर दैट आप सभी को बताना चाहूंगा जुडिशियरी लेजेंड्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं अनुप उपाध्याय को माइनर फी लोकल लॉस वगैरह डील करूंगा। 15 दिसंबर 6 महीने कोर्स है। रैपिड रिविजन फॉर यूपी एंड छत्तीसगढ़ है, जहां पर मैं आप सभी को कुछ मेजर लॉस एंड माइनर भी डील करूंगा। एंड आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप अभी तक जुड़े नहीं है तो आप एक टेलीग्राम लिंक ले लीजिए, लिंकिंग लॉस अनूप सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर ले ताकि आप सभी को मैं प्रॉपर नोटिफिकेशंस यही डालता हूं, यही शेयर करता हूं, आपको मिल सके, ठीक है। हाँ, स्पेशल क्लास इसके जस्ट बाद अनअकैडमी ऐप पर लगती है। थैंक यू गुलिस्ता जी। ओके, आगे की बात देखिएगा, जुडिशरी टेस्ट सीरीज है, लैंडमार्क जजमेंट्स भी आ रहे हैं सर के, जो आप अटेंड कर सकते हैं 31 दिसंबर को। अनअकैडमी जो हमारा लिंकिंग लॉज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये हमारे सिलेक्शंस हैं जी। जुडिशियरी आइकॉनिक नाउ में लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस अवेलेबल है। फ्री क्लास में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल्स फॉर लर्नर्स, रेज़ हैंड, नेवर मिस क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर फैसिलिटी आर देयर। प्लस सब्सक्रिप्शन बात करें 6, 12, 18, 24 मंथ्स के कोर्सेज हैं। आइकॉनिक में आपके 6, 12 और 24 मंथ्स के कोर्सेज हैं, लिंकिंग कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस में लाइव क्लास, स्पेशल क्लास के सब्जेक्ट के, अरे इसी क्लास की कंटिन्यूटी में चलेगी साथियों, जो क्लास आप देख रहे हैं ना इसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट क्वेश्चन से आप अटेंड करिए पोल के माध्यम से। आप पोल अटेंड करिएगा ताकि आपके 50-60 क्वेश्चन वहां मैं करा दूं, ठीक है। हाँ, अभी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं लिंकिंग लॉज अनूप सर में, ठीक है, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। थैंक यू मोनिका शुक्ला जी, थैंक्स फॉर योर एप्रिशिएशन, कोशिश करूंगा कल और अच्छा पढ़ाऊं डे बाय डे। प्लस क्लास में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन दी जाती हैं। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो बग्स बाउंटी के माध्यम से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आज मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे हम लोग आज स्पेशल क्लास में, और अगले आप बता दीजिएगा आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपकी उम्मीदों पर मैं वाकई में खड़ा उतरा हूं। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आज का लेक्चर। सो आज के लिए सभी को मेरी तरफ से जय उत्तर प्रदेश एंड जय हिंद, बाय बाय।